हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। आज हमारे किचन बनने जा रही है बहुत ही बेसिक से सिंपल सी चाय, जो कि हम सबके घरों में बनती है। मैंने यहाँ पर 2 कप दूध लिया है, जिसे अच्छे से बॉयल कर लिया है, और ये 2 छोटी इलायची जिसे मैं दूध में डाल दूँगी। इसे अच्छा से बॉयल आ जाने दें। मैं यहाँ पर 2 चम्मच चाय पत्ती डाल रही हूँ, थोड़ा सा और डाल देते हैं, और 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आपको जैसा मीठा पसंद हो, अपनी पसंद के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से बॉईल कर लो। मैं बिल्कुल सिंपल सी चाय बना रही हूँ, जो कि हम सबके घरों में बनती है। चाय के बिना बहुत से लोगों की दिन की शुरुआत नहीं होती है। सबसे पहले लोग चाय पीते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए चाय बनाते हैं आज। इसे अच्छे से बॉईल कर लेना, अच्छे से उबाल आ जाए इसमें। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, सबके घरों में बनने वाली, बिल्कुल आसानी से। इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला है। बनने में भी इसको बस 5 मिनट लगते हैं। चाय बहुत डिफरेंट तरह से, बहुत बहुत तरह से बनती है। मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल बेसिक चाय बनाई, जो कि हम सबके घर में बनती है। वैसे मसाला चाय बनती है, तंदूरी चाय भी बनती है, और भी तरह की चाय बनती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी चाय बनकर जो है तैयार है। बस दूध को बॉईल करके उसमें चीनी पत्ती डालकर अच्छे से उसमें उबाल लिया है। चलिए अपनी चाय को सर्व कर लेते हैं। इस तरह से अपनी सारी चाय को सर्व कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही सिंपल सी, बिल्कुल इजी सी, जो कि सबके घर में चाय बनती है, बनकर तैयार है। और अपने दिन की शुरुआत इस चाय के साथ करें। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी करवाएं, और मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। आप सभी का मेरी वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching. Bye-bye. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
ठंड के मौसम में हम सभी को चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। वो चाय अगर गुड़ की हो तो फिर तो क्या कहने, मज़े ही मज़े हैं। तो चलिए आज हम अपने किचन बनाते हैं गुड़ की चाय, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट भी है और बहुत ही हेल्दी भी है। मैंने यहाँ पर इस तरह से कुछ गुड़ के पीसेस ले ले लिए हैं, और ये चाय पत्ती है, 1 कप पानी और 1 कप गर्म दूध। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें गर्म दूध लेना है, ठंडा दूध नहीं लेना है, वरना हमारी चाय जो है फट जाएगी। चलिए अब चलते हैं अपने चाय बनाने के प्रोसेस में। मैंने गैस ऑन कर दिया है और ये जो पानी था ना, मैं पानी इसमें डाल देती हूँ। पानी को थोड़ा बॉयल हो जाने दें, तब फिर जो है इसमें चाय पत्ती डालेंगे। दोनों चीज़ें जो है ना हमारी बराबर होनी चाहिए, मतलब हमारी चाय बिल्कुल गर्म चाय में हमें अपना दूध को डालना है, तो दूध हमारा जो है ठंडा नहीं होना चाहिए। बॉयल हो रहा है हमारा पानी। गुड़ आप सभी को पता होगा गुड़ कितना हेल्दी होता है, कितना फायदेमंद होता है, तो ठंड के मौसम में आप इस रेसिपी को मेरी ट्राई कर सकते हैं। चाय तो हम सभी को बहुत ही पसंद है, तो आप मेरी इस चाय की रेसिपी को ट्राई करिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी चाय कैसी लगी। बॉयल हो रहा है, मैं इसमें 1.5 चम्मच चाय पत्ती डाल रही हूँ, और सिर्फ ये एक गुड़ का टुकड़ा है ना, सिर्फ इसे डालूंगी। इतना हमारी चाय के लिए इनफ होगा 2 कप चाय के लिए। अच्छे से बॉयल आ जाने दें इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाय पत्ती बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, और ये हमारा दूध मैंने एक साइड से अच्छे से गर्म कर लिया है। अब अपने चाय में दूध को डाल देंगे। इसे अच्छे से एक बॉईल आ जाने दें, इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये चाय बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि मैंने इसे गुड़ से बनाया, आपने देखा ही होगा। ठंड के मौसम में आप भी मेरी इस रेसिपी को चाय की ट्राई कर सकते हैं, और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी चाय कैसी लगी। अपने दिन की शुरुआत इस हेल्दी चाय के साथ करें, क्योंकि ये गुड़ डालने की वजह से चाय बहुत ही हेल्दी है। इसमें मैंने शक्कर नहीं डाली है, गुड़ डाला है। मेरी चाय जो है बनकर तैयार है। चलिए अपनी चाय को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार गुड़ की चाय बनकर तैयार है। आपको मेरी चाय कैसी लगी, आप अपना फीडबैक दें, कमेंट करें। आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। आप सभी का मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।
हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं अपने किचन में कुछ स्पेशल मौसम के हिसाब से, यानी कि मसाला चाय। आज हमारे किचन में बनने जा रही है मसाला चाय। मैं आपको चाय और उसका जो मसाला होता है ना, पूरा मसाला पाउडर पूरा बनाना दिखाऊंगी। तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। चलिए हम देख लेते हैं कि हमें मसाला चाय बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पर 2 कप चाय बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको क्वांटिटी दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1 कप गरम दूध ले लिया है, इसे अच्छे से बॉईल कर लें। उस हिसाब से 1 कप पानी लेंगे और चीनी और चाय पत्ती, आपको जितनी मीठी पसंद हो उस हिसाब से चीनी चाय पत्ती का भी यूज़ करें, जितनी कड़क चाय पसंद हो उतनी यूज़ करें। मैं 1.5 चम्मच चीनी और 1.5 चम्मच ही चाय पत्ती बराबर क्वान्टिटी में यूज़ करूँगी। अब मसालों के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ये काली मिर्च, ये कुछ लौंग और ये जायफल होता है, इसे मैंने इस तरह से तोड़ लिया क्योंकि हम फिर इसे पीसेंगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी मिक्सिंग पीसने में। इस तरह से दाल चीनी के टुकड़े, ये थोड़ी कुछ इलायची, हरी इलायची और ये बड़ी इलायची जिसे भी मैंने बीच से क्रश कर लिया है, और ये मेन हमारे इंग्रेडिएंट जिसे बोलते हैं सौंठ, ये सूखा अदरक होता है। आसानी से इसका पाउडर भी मार्केट में मिल जाता है, आप चाहे तो सौंठ ले लें या फिर ये सौंठ पाउडर, जो भी आपको मिले। और आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप इसमें तुलसी भी डालेंगे तो उससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा चाय का आएगा। ये जो हमारी चाय है ना, इसे नॉर्मल चाय नहीं है, इसे इम्यूनिटी बूस्टर भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हम ये लौंग डाल रहे हैं। आपको पता है कि ये सब हमारे सर्दी जुकाम चीज़ों को दूर भगाती है, और इसमें हम ये जो जायफल डाल रहे हैं ना, ये तो बहुत ही मतलब ठंड के मौसम में बहुत ही फ़ायदा करती है इस तरह की चाय अगर हम बना के पियेंगे तो। चलिए हम चलते हैं अपने चाय बनाने के प्रोसेस में। सबसे पहले हम जो हमारे मसाले हैं ना, उन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, उससे क्या होगा ना, इनमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो हम ये जो जिंजर है ना, ये सौंठ, इसे हटाकर और सभी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लें। लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे कि इनमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। जायफल को इस तरह से तोड़ लेंगे तो आपको पीसने में आसानी होगी, और इस तरह से इलायची को भी इस तरह से, जो बड़ी इलायची होती ना, इस तरह से उसे खोल दें। बहुत ज़्यादा इसे नहीं भुनना है, थोड़ा सा बस रोस्ट कर लें कि बस इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप तुलसी के पत्ते भी डालें, उससे चाय का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। इन सबको ना फिर मिक्सी में पाउडर बना लेंगे। हमारी बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़े की, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही इस मौसम के हिसाब से कह सकते हैं चाय बनेगी, क्योंकि ठंड के मौसम में जो सर्दी जुकाम जो भी दिक्कत होती है ना, उन सब चीज़ों को ये चाय बहुत ही फ़ायदेमंद होगी इन सब चीज़ों के लिए। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाया करें। अच्छे से इन्हें भून लें, हल्का सा रोस्ट कर लें बस, कि इनमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब लास्ट में ये जो मैंने एक साथ ये डाल देती हूँ सॉल्ट, इसे हल्का सा गर्म कर लें। हरी इलायची जो होती है डालने से चाय का स्वाद आप सभी को पता है कि कितना बढ़िया आता है, तो इस तरह से यह हरी इलायची, काली मिर्च, लौंग, जायफल, दालचीनी, ये सब चीज़ें डालने से आपकी बेहतरीन सी चाय बनेगी ना, बहुत ही लाजवाब सी चाय बनेगी। हमारे मसाले जो है ना बन गए हैं, अब ना इन्हें थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर हम इन्हें पीस लेंगे। चलिए अपने चाय बनाने के प्रोसेस में चलते हैं।
मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं 2 कप चाय बना रही हूँ, तो मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ और 1 कप उसी हिसाब से मैं दूध डालूंगी। पानी को अच्छे से बॉईल हो जाने दें। मैं आपको मसाला बताया मैंने कि क्या क्या चीज़ें मसाला कैसे बनाते हैं और किस स्टेज पर मसाला डालना है हमें चाय में, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो एंड तक मेरे वीडियो को देखते रहें। जब हमारा पानी बॉईल हो जाएगा ना, तब हम इसमें चाय पत्ती और शक्कर डालेंगे। आप जितनी कड़क चाय पीते हो तो आप उसी हिसाब से चाय पत्ती की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ चाय पत्ती। चाय पत्ती पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, तब फिर हम शक्कर डालेंगे। बहुत ही हमारी बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त सी चाय बनकर तैयार होगी, जो कि हमारे सर्दी खांसी जुकाम सबको दूर भगाएगी, क्योंकि हमने इसमें काले मिर्च और जो जायफल डाला है ना, और सॉल्ट तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसलिए आप इस चाय को ज़रूर ट्राई करें। हमारे पानी के साथ में जो चाय पत्ती है ना, अच्छे से बॉयल हो रही है। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएगी तो हम इसमें और भी बाकी जो चीज़ें हैं वो उन सबको डालेंगे। अब मैं ना इसमें शक्कर डाल देती हूँ। जितनी हमने चाय पत्ती डाली थी ना, मैं उतनी शक्कर डाल रही हूँ। 1.5 चम्मच चाय पत्ती और 1.5 चम्मच शक्कर। आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप शक्कर बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी उसकी, नहीं तो आप इतना रेशियो सही है। 2 कप चाय में मैं 1 कप दूध, 1 कप पानी और 1.5 चम्मच शक्कर, 1.5 चम्मच चाय पत्ती डालें। इन सबको अच्छे से बॉयल कर लें। इसमें अच्छा से बॉयल आ जाएगा ना, तब फिर हम इसमें दूध डालेंगे। दूध को आप ठंडा ना डालें, दूध को आप गर्म कर लें। अच्छे से इसको बॉयल कर लें। ठंड के मौसम में इस तरह से अगर ज़बरदस्ती चाय पीने को मिल जाए तो फिर तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बनाएं और बताएं कि कैसी आपकी चाय बनी। चीनी चाय पत्ती जो है ना, बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब हम इसमें लास्ट दूध डाल देंगे। जो मैंने 1 कप दूध दिखाया था ना आपको, गरम करके के रखा था, उसे डाल दें। देखिए दूध डालते ही हमारा चाय का कलर कितना प्यारा सा आ गया है। इसमें अच्छा सा बॉयल आने दें, फिर हम लास्ट में अपने चाय मसालों को डालेंगे। हमारे जो भी थे ना चीनी चाय पत्ती के साथ में दूध को सबको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से उबाल आने दें इसमें।
ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने मसाला बनाया था ना, चाय मसाला हमारा बनकर तैयार है। और 2 कप चाय के लिए बस 1/4 इतना मसाला बहुत होगा, इससे ज़्यादा मसाला न डालें। लास्ट में बस हम इस मसाले को डाल के, बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक बॉईल। हमारी ज़बरदस्ती मसाला चाय जो है ना बनकर तैयार हो जाएगी। इसे आप ठंड के मौसम में ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर पिए इस चाय को, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्ती, सर्दी जुकाम हर चीज़ों को दूर भगाएगी हमारी ये चाय। बस एक बॉइल अच्छा सा आ जाएगा, फिर हम अपनी चाय को गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। चलिए अपनी गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और अपनी चाय को सर्व करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मसाला चाय जो है बनकर तैयार है। आप भी इस चाय की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बताइए कि कैसी बनी आपकी चाय भी। तो इस ज़बरदस्त की चाय को पीजिए, क्योंकि बहुत ही हेल्दी चाय है, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही फ़ायदेमंद। हमारी इम्यूनिटी बूस्टर चाय बनकर तैयार है। इसमें बहुत ही अच्छे मसाले जो भी मैंने डाले हैं आपने देखा होगा। तो इस गर्म गर्म चाय को पीजिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।